रोलिंग। तो आज का अखबार पढ़ा क्या? आज का अखबार जिसकी सुर्खियां एक बार फिर से हरक सिंह रावत बने। हरक सिंह रावत अखबारों की सुर्खियां बने हैं एक बार फिर से। इस बार हरक सिंह रावत के लिए खबर यह आई कि आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद, 6 दिन के इंतजार के बाद हरक सिंह रावत की कांग्रेस में आखिरकार एंट्री हो ही गई। लेकिन अखबारों के भीतर छिपी सुर्खियों में एक खबर और भी छिपी है, दिलचस्प खबर है। इस खबर के तस्वीर और पहलू को हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हरक सिंह रावत की वापसी आखिरकार किसने और कैसे करवाई, यह सवाल अपने आप में अहम है। जब हरीश रावत खुलकर मुखालफत कर रहे थे, ना सिर्फ हरीश रावत बल्कि हरीश रावत खेमे के वो चेहरे जो पार्टी के भीतर विधायक भी हैं और सांसद भी, वो भी खुलकर हरक सिंह रावत की वापसी को लेकर कांग्रेस को आगाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी हरक की वापसी कांग्रेस में हो ही गई। चाहे वो मनोज रावत हो या फिर हरीश धामी हो जो कि विधायक हैं, और इतना ही नहीं प्रदीप टंटा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, खुलकर जिन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन हरक की वापसी हो ही गई। तो पहले ये जानिए कि हरक की वापसी आखिरकार करवाने वाले चेहरे हैं कौन। पहला चेहरा प्रीतम सिंह। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पूरा जोर लगा दिया हरक की वापसी को लेकर। ना सिर्फ हरक की वापसी को लेकर बल्कि उनकी पुत्र वधु को भी कांग्रेस में शामिल करवाने के लिए प्रीतम ने गणित रचा। ना सिर्फ प्रीतम ने बल्कि प्रीतम सिंह के साथ साथ प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी। जैसे कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने पहले ही बता दिया था, जब हरीश रावत ने, याद कीजिए कि मगरमच्छ वाला ट्वीट किया था, उससे ठीक 3 दिन पहले प्रभारी ने ही, जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रभारी ने ही हरक सिंह रावत की आला कमान से मुलाकात करवाई थी, और उस वक्त भी प्रीतम सिंह की अहम भूमिका थी। अब ऐसे में सवाल ये कि हरक सिंह की वापसी से बीजेपी को कितना नुकसान और कांग्रेस को क्या उससे ज्यादा नुकसान, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक वजह और आधार है। क्योंकि हरक सिंह की वापसी से जो चेहरे जो उनकी मुखालफत कर रहे थे, ना सिर्फ वही विरोधी हैं बल्कि इसके साथ साथ जो चेहरे जहां से वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो डोईवाला हो या केदारनाथ हो या फिर चोबट्टा खाल का भी जिक्र आ रहा है या फिर लैंसडाउन हो, वहां पर कांग्रेस के चेहरे जो तैयारी कर रहे थे वो हरक सिंह रावत से खासे नाराज बताया जा रहे हैं। ये अंडर करंट है। लेकिन हरक सिंह रावत, क्या वाकई वो हनक जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी वो कायम रह पाएगी? ये तो रहा सिक्के का पहला पहलू। लेकिन आज अखबारों के भीतर छिपी एक और दिलचस्प खबर जिससे आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। खबर यह है कि हरक तो कांग्रेस में आ गए, लेकिन हरक के आने के बाद खबर यह है कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, टिहरी से चेहरे हैं, पार्टी के ब्राह्मण चेहरे रहे, बड़े चेहरे गढ़वाल से, अब उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही है। किशोर उपाध्याय शामिल हो सकते हैं टिहरी से। टिहरी में 2 खबरें बड़ी हैं, ना सिर्फ किशोर उपाध्याय बल्कि कांग्रेस के घर से और बीजेपी के घर से एक और खबर है टिहरी से। किशोर उपाध्याय के शामिल होने की चर्चाएं हैं कि वो एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे आधार यह है कि बीजेपी ने अभी टिहरी का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कांग्रेस में विकल्प खोज रहे हैं ओम गोपाल रावत। ओम गोपाल रावत बीजेपी से बागी हो गए। ओम गोपाल रावत, जिनको उम्मीद थी कि आलाकमान उन्हें टिकट देगा, लेकिन सुबोध उनियाल जो कि मंत्री हैं उन्हें टिकट दे दिया गया। अब ऐसे में हरीश रावत से उनकी मुलाकात हो चुकी है जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब ओम गोपाल रावत अगर शामिल होते हैं कांग्रेस में तो यहां पर रास्ता खुल जाता है किशोर उपाध्याय के लिए भी। फिर किशोर उपाध्याय विक्टिम कार्ड खेलेंगे, यह सियासी गणित है। और ऐसे में दैनिक जागरण की आज पेज नंबर 6 पर ही एक खबर छपी है जहां पर टिहरी सीट पर प्रत्याशी घोषित ना करने को देखा जा रहा है
इससे जोड़कर कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं किशोर उपाध्याय। ये आज की खबर है। लेकिन एक खबर और दिलचस्प पहलू जिसका मैं जिक्र करूंगा, और वो खबर काफी दिलचस्प है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से भी, क्योंकि ये विधायक अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि ऐसे कई विधायक हैं जो चर्चाओं में रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी की नाक में भी दम किया, और आज उन्हीं को लेकर एक खबर अमर उजाला में भी छपी है और दैनिक जागरण में, और उस खबर का भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आज सब जगह यही खबर है कि चुनावी दौर, कांग्रेस पी गई अपमान का घूंट, और 6 दिन तक हरक को मिला, 6 दिन के बाद मिला हरक को ठोर। और जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं वो खबर अमर उजाला के पेज नंबर 8 पे छपी, और वो पेज नंबर 8 पर छपी वो खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि दैनिक जागरण ने भी ये खबर छापी है, और ये खबर है विधायक देशराज की, कणवाल की पत्नी के लिए टिकट की वकालत में विधायक ने जेपी नड्डा को खुला पत्र लिखा, खुला पत्र लिखा। अब इस पत्र में लिखा क्या है वो भी बेहद दिलचस्प है, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। और बकायदा, क्योंकि यहां से अभी जनाब को टिकट कटने का डर है और उनको मालूम है कि टिकट उन्हें मिलेगा नहीं, और ऐसे में उन्होंने एक दिलचस्प कार्ड खेला है। और ये खबर जो है वो दैनिक जागरण में भी छपी है, और दैनिक जागरण में बकायदा उनके पत्र का हवाला भी दिया गया है जो उन्होंने पत्र लिखा है, और उस पत्र में बकायदा उन्होंने जिस चेहरे का जिक्र किया है अब मैं उसका भी जिक्र करूंगा। और ये दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पे खबर छपी, पेज नंबर 10 पे नड्डा को जो पत्र लिखा उन्होंने कहा कि चैंपियन की पत्नी से ज्यादा वरिष्ठ मेरी पत्नी है। चैंपियन कौन? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जिनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया है, अब चैंपियन चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी बीजेपी से। ऐसे में देशराज कणवाल कह रहे हैं कि भाई मेरी पत्नी उनसे ज्यादा सीनियर है, इसलिए मेरी पत्नी को टिकट दिया जाए अगर आप मेरा टिकट काट रहे हैं। उन्होंने बकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है वो पत्र वायरल भी हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया है कि जेपी नड्डा को पत्र लिखते हुए कि पत्नी वैजयंती माला भाजपा की निष्ठेवान सिपाही है, 3 बार की जिला पंचायत सदस्य है, ज्वालापुर के विधायक, बकायदा उन्होंने जिक्र किया है, ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर, लक्सर के विधायक संजय गुप्ता, खानपुर के विधायक प्रणव सिंह की एंटी इनकम्बेंसी थी, यानी कि वो चुनाव लड़ते भी तो चुनाव हार जाते, इसका जिक्र वो शायद ये कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, मतलब कि टिकट दे दिया प्रणव, मतलब उनकी पत्नी को, प्रणव के स्थान पर उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि वैजयंती, जो कि अपनी पत्नी का जिक्र कर रहे हैं देशराज जी, राजनीति में प्रणव सिंह की पत्नी से पहले से ज्यादा और अधिक सक्रिय है। अब इस पत्र के वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल अपने आप में बड़े इसलिए भी हैं क्योंकि अमर उजाला की पेज नंबर 8 पर एक खबर छपी है कि भाजपा में गंगोत्री से धारचूला तक असंतोष ही असंतोष, और यह सिर्फ असंतोष प्रदेश अध्यक्ष सांसद इस वक्त रूठों को मनाने में जुटे हुए हैं, विधायक मुन्नी देवी, महेश नेगी नरेंद्र नगर से, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। और ऐसे में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी ने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। अब कई ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि मुश्किल बीजेपी के लिए भी, डोईवाला की सीट हो बीजेपी के लिए मुश्किल यहां पर अब ये कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ रहे, वो लड़ना नहीं चाहते, पत्र लिखा या लिखवाया गया वो एक अलग विषय है। कोटद्वार की सीट भाग गए हरि सिंह रावत, वो बीजेपी को पहले से पता था कि वो भाग जाएंगे। जबरेड़ा की सीट देशराज कणवाल की सीट, जिनका पत्र अभी मैं जिक्र कर रहा था। रुद्रपुर राजकुमार ठुकराल, माना जा रहा टिकट कटना इनका बिकता है, इनकी जगह शिव अरोड़ा आ सकते हैं। अब लालकुआ की सीट, यहां पर नवीन चंद दुमका है विधायक, बुजुर्ग है इसलिए इस बार उनका टिकट मुश्किल है। पीरान कलियर की सीट फुरकान अहमद विधायक है, मजबूत दावेदार, इसलिए तलाश की जा रही है कि मजबूत चेहरा आ जाए, क्योंकि पीरान कलियर जो है वो कांग्रेस मजबूत है यहां पर। हल्द्वानी की सीट इंदिरा हृदय चली गई, अब उनके बेटे को टिकट दिया जाए, या फिर इसके साथ साथ जोगेंद्र रोतेला, जिनका नाम चर्चाओं में है, वो टिकट की दौड़ में शामिल है। ये तमाम समीकरण अलग अलग है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये कांग्रेस का चेहरा है इंदिरा हृदेश, ऐसे में कांग्रेस के घर में भी कश्मकश है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, और ऐसे में भाजपा में इस सीट को लेकर अलग से घमासान है। रानी खेत की सीट करण महरा विधायक है, अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं,
जो लड़ा करते थे, और ऐसे में अब उनको मजबूत प्रत्याशी की खोज है क्योंकि अजय भट्ट जो है अब केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। जागेश्वर से जो कि कांग्रेस के कब्जे में है, गोविंद सिंह कुंजवाल विधायक हैं, अब कुंजवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी को रणनीति के आधार पर कोई बड़ा चेहरा चाहिए। तो यह बीजेपी के घर की कहानी है जो अभी 11 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। तो यह थी अखबार की आज दिलचस्प खबरें, जहां पर सीधे तौर पर संकेत बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घरों में घमासान है। अभी इंतजार करिए, अभी तो टिकटों का ऐलान कांग्रेस के घर में होगा, तब यह घमासान और ज्यादा तेज होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।